तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है हापुड़ और जगह है ये बिजोली और यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों गंगा एक्सप्रेस पे। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहीं पर ये इंटरचेंज बनाया गया है। और दोस्तों ये मेरठ से हापुड़ ये रोड है जो जा रही है बन के, और देखो दोनों साइड में अभी काम चल रहा है यहाँ का। और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी बारिश पड़ रही है तो बारिश की वजह से ये मिट्टी कट गई है। दोस्तों मिट्टी कटने की ही वजह से यहाँ पर क्या जो नारियल का वो है बुरादा, उसकी चटाई बनाई गई है, वो डाली गई है साइडों से। और ये बीच का रैम्प है दोस्तों, जो कि एक लेन और बढ़ाई जा सकती है। ये आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये 3 लेन इस साइड यानी 6 लेन का एक्सप्रेस पे बनाया जा रहा है, जो कि हापुड़ के बिजोली से स्टार्ट होगा दोस्तों और ये प्रयागराज में जाकर ख़त्म होगा। तो यही मैं अपडेट आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूं। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों के पी संत के चैनल पर। इसका अपडेट मैं आप सभी को अब कवर करता रहूँगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप सभी को ताकि आप लोग देखो। और देखो ये पहले मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी के साइड में ये क्या नाम है वो रखे पैरा फिटबॉल साइडों के, ये देखो ये कंपोजर लगाया जाता है, ये देख सकते हो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, इसमें भाई साहब पानी नहीं जाता बिल्कुल भी। ये कंपोजर है, इन्होंने यहाँ बैठने उठने के लिए लगा रखा है। देखो कुछ ऐसा बनाया गया है, देखो ये रखे हैं साइड के पैरा फिटबॉल। और अभी बारिश पड़ रही है तो बारिश की वजह से ये मिट्टी साइडों की कट चुकी है। तो देखो आप लोग, क्योंकि अभी इस पर फाइनल लेयर का भी फाइनल लेयर इस पर डाली जाएगी ब्लैक टॉप की दोस्तों। अब देखो इधर भी देख लो किस तरीके से यहाँ पर ये मुर्गाड़ी थी बनाई जा रही है। और देखो मिट्टी भी ये सारी कट गई है। तो देखो इन्होंने ये लगाया है, ये देखो नारियल की रस्सी लगाई है इन्होंने ताकि ये मिट्टी कटे ना, और फिर इस पर मिट्टी डाल दी जाएगी। तो यही सीन है। और वो वहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है लेकिन इतना टाइम नहीं है उधर जाने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दीबाजी में यही आप सभी को दिखा देता हूँ। देखो आप लोग घूम घूम के, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है। पहली बार आप लोगों को, पहली बार मैंने भवाना का दिखा उसका दिखाया था, नाम भूल गया, याद नहीं आ रहा मेरे। तो यही है बस, देख सकते हो कि मैं आगे ज़्यादा जाऊंगा नहीं। हाँ तो आप लोग इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियोस, किस तरीके से यहाँ पर बनाया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, देखो ट्रैक्टर भी यहाँ चल रहे हैं और सर्विस लाइन भी इन्होंने पता नहीं दी है नहीं दिया अभी सर्विस लाइन का, तो पता नहीं चला। देखो भाई तब कहाँ तक एक्वायर की है इन्होंने लैंड NHAI वालों ने। देखो ट्रैक्टर भी चल रहा है तो वहाँ से उतरने का होगा शायद। और ये बनाया जा रहा है इंटरचेंज दोनों साइडों में, तो अभी काम चल रहा है एक साइड में ही। देखो उधर भी बनाया जा रहा है, उधर भी बनाया जा रहा है। ये देखो ज़्यादा चमक नहीं रहा होगा आप सभी को। तो ये देखो मिस्त्री हैं, ये हाईवे पर ही काम कर रहे हैं। तो वो जो है नारियल की वो बनाई है इन्होंने, देखो इस पर ये DBM की लेयर हो चुकी है दोस्तों, कुछ ऐसी है। देखो आप सभी बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। अब चलते हैं और मैं आप सभी को दिखाऊँगा फिर बाद में। ये देखो भाई साहब क्या रोड बनाई है। ये गोल चक्कर रहेगा, सर्विस रोड उधर को जाएगी, ऐसे ही इधर भी रहेगा, अंदर भी रहेंगे। तो अंदर में क्या करना है? ये टूट कर रहा हूँ। इधर आने वाले